हेलो एवरीवन दिस इज विकास कुमार वेलकम टू मरीन इंट्यूटर एजुकेशनल वाई प्लेटफॉर्म तो आज की मैं बात करूंगा स्वेस्ट टाइप ऑफ पॉजिटिव वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप तो मैंने यहां पर टॉपिक भी लिखा है स्वेस्ट टाइप ऑफ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा प्लीज कमेंट इट बिलो ये जो स्वेस्ट टाइप ऑफ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होती है एंड ये हाइड्रोलिक पंप के कैटेगरी में आती है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कम अंडर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ पंप एंड अगेन इसकी क्लासिफिकेशन करूँ तो एक जस्ट फॉर अ नेम यह पंप हाइड्रोलिक पंप के अंडर आती है तो मैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इसकी एप्लीकेशन दिस टाइप ऑफ पंप की एप्लीकेशन कौन सी मशीनरीज के साथ होती है विच मशीनरीज में ये इनकॉर्पोरेट होती है प्लीज कमेंट इट बिलो सो विदाउट वेस्टिंग मस्ट लेट प्रोसीड आवर लेक्चर तो आप ये देख सकते हो दिस इज स्वेस्ट प्लेट टाइप ऑफ पॉजिटिव वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप और यहां पर मैंने आपको ड्रॉइंग शो किया है एंड मैं आपको यहां पर इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बता देता हूं सो so, आप देख सकते हो दिस इज साफ्ट दिस इज सॉफ्ट इट आप साथ में इमेज में भी देख सकते हो दिस इज सॉफ्ट ये मैंने 2D में बनाया है 3D की इमेज भी है सो so दैट आप इजीली रिलेट uh, कर सकते हो दिस इज साफ्ट गोट इट नाउ दिस इज सिलेंडर ब्लॉक आप ऊपर देख सकते हो दिस इज लाइक अ केसिंग सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर ब्लॉक कंसिस्ट और सिलेंडर ब्लॉक सम पिस्टन मल्टीपल पिस्टन लेट इट एक्स नंबर ऑफ़ पिस्टन पिस्टन सम सिलेंडर ब्लॉक कंटेन पिस्टन तो आप देख सकते हो दैट इज सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन मीन्स पिस्टन इज इनकॉर्पोरेटेड विथ सिलेंडर ब्लॉक दिस इज स्वैश प्लेट तो यह स्वैश प्लेट है And, uh, मैं इसकी पूरी फंक्शंस बताऊंगा डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल में फंक्शंस इसकी पूरी बताऊंगा आप अभी डायग्राम पर देख सकते हो कैसे ये स्वैस प्लेट इंक्लाइंड है एक वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में थोड़ी इंक्लाइंड है सो so दैट इसकी पूरी वर्किंग प्रिंसिपल सही से हो पाए सो दैट इट इज इंक्लाइंड चलो अब मैं इसकी पूरी डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल पर आता हूं तो सबसे पहले सपोज ये जो अगर साफ्ट रोटेट कर रहा है पोज मैं एज्यूम करता हूं रोटेशन ऑफ साफ्ट इफ साफ्ट रोटेट दैट इज सिल्सो रोटेट अगर साफ्ट रोटेट होगी तो सिलेंडर ब्लॉक भी रोटेट होगा एंड सिलेंडर ब्लॉक कंटेन पिस्टन्स मल्टीपल पिस्टन्स एक्स नंबर ऑफ पिस्टन्स तो पिस्टन भी राउंड मूवमेंट हो गए पिस्टन की भी कुछ रोटेशनल मूवमेंट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह समझो उसकी कुछ मूवमेंट राउंड होगी नौ नेक्स्ट थिंग दिस इज स्वैश प्लेट अब जो स्वैश प्लेट है मैंने यहां आप पर आपको कुछ एंगल पर इसे शो किया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो मैं सबसे पहले इसकी एक वर्टिकल प्लेन बनाऊंगा ये एक पॉइंट है और मैं सबसे पहले इसकी एक वर्टिकल वर्टिकल लाइन बनाता हूं ये थोड़ी ठीक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ओके वर्टिकल प्लेन है एक स्ट्रेट लाइन है नाउ अब ये एक रिफरेंस है वर्टिकल प्लेन एक मैंने रिफरेंस लिया है अब जो प्लेट कुछ एंगल पर है सपोज दिस इज स्वेस प्लेट तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया अब स्वेस प्लेट जो है कुछ एंगल पर है गोड इट कुछ एंगल पर है That is. अब ये एंगल में एज्यूम करता हूं थीटा इस लेक्चर्स में मैं आपको पूरी वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा एंड वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन बताऊंगा सो so दैट आप थियोरिटिकली भी समझ पाओ ठीक है और आप मैथमेटिकली भी आप रिलेट कर पाओ ठीक है तो दिस इज एंगल थीटा तो अब आपको इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझनी होगी सपोज अगर स्वैश प्लेट स्वैश प्लेट अगर वर्टिकल पोजिशन पर है मैंने इसे कुछ इंक्लाइन पोजिशन पर भी लिया है अगर यह वर्टिकल प्लेन मैं इसे करूं तो यह वर्टिकल प्लेन हो जाएगी तो जब यह वर्टिकल प्लेन होगा तो कोई डिस्चार्ज नहीं होगी सबसे पहले तो यह समझो कोई सक्सन एंड डिस्चार्ज नहीं होगी जब यह इंक्लाइन पोजिशन होगा तो सक्सन पॉसिबल होगी एंड जो डिस्चार्ज होगी वो वेरिएबल नेचर की होगी दैट्स वाई इट इज स्वेस प्लेट वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ पंप तो स्वेस प्लेट की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को अगर मैं वेरी करूंगा ओके लिसन केयरफुली स्वेस प्लेट की अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को वेरी करूंगा तो मेरी जो डिस्चार्ज में जो फ्लो होगी वो भी वैरी होगी तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ऐसी कौन सी मशीनरीज के साथ इनकॉर्पोरेट होती है वहां पर यूज में होती है That type of pump, please comment it below. Okay? चलो नेक्स्ट थिंग सपोज सपोज अब मैं एज्यूम कर रहा हूं अगेन एंगल कुछ थीटा कुछ थी एंगल ऑफ इसकी इंक्लिनेशन है तो जैसे ही कुछ एंगल ऑफ थीटा के साथ ये इंक्लीनेशन यहां पर आएगी तो यहां पर क्या होगा आप देख सकते तो दो पिस्टन है और दो पिस्टन पैरल है तो मैंने यहां पर ऑलरेडी कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा आपको शो किया है तो आप देख सकते हो नंबर वन पिस्टन में इसे शो कर रहा हूं एंड इसे मैं एज्यूम कर रहा हूं नंबर टू पिस्टन तो आप देखो इसकी मूवमेंट कुछ इस तरफ जा रही है इसकी मूवमेंट कुछ इस तरफ जा रही है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है स्वेस प्लेट के कुछ ऐसे है तो जब इसकी मूवमेंट ऐसे होगी तो ये जो नंबर वन पिस्टन है इसकी मूवमेंट आगे की तरफ होगी मीन्स टुवर्ड्स दिस प्लेट इस प्लेट की तरफ होगी मूवमेंट राइट तो मैं बोल सकता हूं इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे होगी वोट इट नाउ अब इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे है तो ये, ये पूरे स्वेस्ट प्लेट है तो जो ये पिस्टन है इसकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी वोट इट तो जो नंबर वन पिस्टन है ये क्या होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन फॉलो कर रहा है तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन बिकॉज ऑफ स्वेस्ट प्लेट सबसे पहले हम लोगों ने साफ्ट को रोटेशन प्रोवाइड किया साफ्ट को रोटेशन प्रोवाइड किया और यह सिलेंडर ब्लॉक के केसिंग की तरफ है केसिंग की तरफ है कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझ मानी चाहिए सिलेंडर ब्लॉक और प्लेट एंड सिलेंडर ब्लॉक कंटेन सम पिस्टन्स दैट इज द पंप ना ये पंप है पूरा अरेंजमेंट अब साफ्ट जब रोटेट होगा तो सिलेंडर ब्लॉक भी रोटेट होगी सिलेंडर ब्लॉक जब रोटेट होगा तो पिस्टन सेंटर ब्लॉक कंटेन पिस्टन्स, मल्टीपल्स पिस्टन तो पिस्टन भी अराउंड द मूवमेंट होगी उसकी वट इट बट बट यहां पर पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू एंड फोर्थ मोशन दो पैरल पिस्टन मैंने यहां पर जस्ट आपको शो किया है जो दो पैरल पिस्टन की टू एंड फोर्थ मोशन जो है वो कैसे अचीव हो रही है बिकॉज ऑफ स्वैश प्लेट स्वैश प्लेट की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर चेंज हो रहा है तो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन पॉसिबल है तो आप देखो फर्स्ट केस स्वैश प्लेट है स्वैश प्लेट की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है तो इस पिस्टन की मूवमेंट कुछ इस पिस्टन की स्वैश प्लेट है वर्टिकल प्लेन है दोनों वर्टिक पैरल है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की स्ट्रोक लेंथ सेम है दोनों पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ सेम है कोई सक्शन नहीं कोई डिस्चार्ज नहीं जैसे ही स्वैश स्वैश प्लेट वैरी हो रही है उसकी इंक्लिनेशन वैरी होगी तो इसकी इस ये पिस्टन की मूवमेंट स्वेस प्लेट की तरफ होगी एंड ये पिस्टन की मूवमेंट कुछ ऐसे होगी तो जैसे ही ये पिस्टन की मूवमेंट आगे की तरफ होगी मीन्स टुवर्ड्स स्वेस्ट प्लेट होगी तो यहाँ पर कुछ वैक्यूम क्रिएट होगा और यहाँ पर कुछ मीन्स मैं, मैं बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग टैंक है ऑयल टैंक है अब ये जो होगा ये पोर्ट्स हैं ठीक है ये पोर्ट है तो यहां से जो ऑयल जो होगी एंटर करेगी करेगी, क्यों हुआ हुआ, है, आपको समझा दिया, तो ये क्या ना? ये के साथ होता है, है, ठीक तो यहां पर कुछ ये ऑयल फ्लो होगी अब ऑयल की डिस्चार्ज आप देख सकते हो ऐसे होगी ऑयल डिस्चार्ज होगी ये, हो ये लाइन प्रेशर लाइन होगी प्रेशर लाइन के साथ ये connected है क्लियर तो आपको पता चल दिया कैसे ऑयल सक्शन ले रही है और कैसे ऑयल की डिस्चार्ज हो रही है तो ये जब मूवमेंट होगी तो तो यहां पर मैंने दिखाया स्प्रिंग फॉर्म में ये जब इसकी जो इस इस नंबर पिस्टन क्या होगा कुछ मूवमेंट होगी तो इस तरफ मूवमेंट होगी तो क्या होगा वो जो ऑयल है उसे वो कुछ प्रेशर के साथ फ्लो कुछ डिस्चार्ज करेगी तो आप देख सकते हो ऑयल कुछ डिस्चार्ज हो रही है और मैंने यहां पर प्रेशर लाइन शो किया तो पता चल गया सक्शन कैसे हो रहा है जब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो

तो अगेन यहां पर नंबर टू पिस्टन जब नंबर वन पर आएगी तो अगेन यहां वैक्यूम क्रिएट होगी सेम टाइम नंबर वन पिस्टन नंबर टू पर आएगी तो यहां पर उसे क्या कुछ प्रेशर के साथ उसे डिस्चार्ज करेंगे इट सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेट टाइप ऑफ पॉजिटिव और वेरिएबल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्लियर है इतनी Now, अब मैं इसकी कुछ मैथमेटिकल uh, कैलकुलेशंस से आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट Uh, what is volume displacement? The volume of uh, fluid being transported by one complete revolution of pump is called volume displacement. And volume displacement represented by Vd. Again, the volume of fluid being transported by the volume of fluid is being transported by one complete revolution of pump. वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट, सो व्हाट इज वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट दैट इज दैट इज स्ट्रोक लेंथ की भी आपको एक कैलकुलेशन छोटी सी कैलकुलेशन बताना चाहूंगा सी स्ट्रोक लेंथ। दैट इज एल तो आप ए, इमेज में देख सकते हो दैट इज सिल्स पिस्टन तो जो पिस्टन्स की होगी वहां पर कुछ पीसीडीज होगी दैट इज पिच सर्कल डायमीटर और उस डायमीटर को मैं बोलूंगा कैपिटल डी और जो कुछ स्वैश प्लेट की वर्टिकल प्लेन है दिस इज वर्टिकल प्लेन सी जब स्वैश प्लेट अगर वर्टिकल प्लेन में होगी ना मीन ये जब स्वैश प्लेट है जब ये कुछ ऐसा हो जाएगा वर्टिकल प्लेन पर आएगी तो ये जो पिस्टन में आप जो स्ट्रोक लेंथ दोनों की डिफरेंशियल स्ट्रोक लेंथ अभी आपको पता चल रही होगी क्योंकि इसकी आप देखो कुछ इतनी स्ट्रोक लेंथ है ये देखो इतनी एल है जो डिफरेंशियल है स्मॉल स्ट्रोक तो आ रही है तो जैसे ही वर्टिकल प्लेन अचीव करेगी वर्टिकल प्लेन पोजिशन स्वे प्लेट जब खुद को एलोकेट करेगी तो क्या होगा वहां पर कोई सक्शन कोई डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि लेंथ होगी नहीं क्लियर तो मैं एल बोल सकता हूं नाउ व्हाट इज एल तो एल को मैं बोल सकता हूं एक कैपिटल डी होगी दैट इज पिच सर्कल डायमीटर एंड दैट इज थीटा तो मैं बोल सकता हूं इसे कैपिटल डी टैन थीटा एल इज इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू कैपिटल डी टैन थीटा तो ये जो मैंने वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट बताया ना आपको पाई बाई फोर डी स्क्वायर एल दैट इज ये सिंगल पिस्टन कि मैंने एज्यूम करके बताया अगर एक्स नंबर ऑफ पिस्टन है तो मैं इसे कर दूंगा मल्टीप्लाई विथ एक्स तो अगेन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम दैट इज डी स्क्वायर इंटू एल डी टेन थीटा इंटू कैपिटल एक्स दैट इज नंबर ऑफ सिलिंडर नंबर ऑफ पिस्टन इतनी आपको क्लियर है नाउ नो सी ये प्रेशर लाइन है अब मैं आपको एक जस्ट एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और जस्ट एक मैं बोल सकता हूं जैसे ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है सपोज मैं बोलना चाहूं अगर लाइन प्रेशर ओवर प्रेशराइज हो रही है क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल है लाइन प्रेशर ओवर प्रेशराइज हो सकती है तो यहां पर मैं कौन सी वाल्व इंट्रोड्यूस करूंगा प्रेशर रिलीफ वाल्व दैट इज पी तो ये जो लाइन प्रेशर के साथ कनेक्टेड जो होंगे वो पी कनेक्टेड होगी दिस इज आर वी देशर रिलीफ वाल्व तो यह हाइड्रोलिकली सिंबल है प्रेशर रिलीफ वाल्व की ठीक है तो यहां से पायलट लाइन आप देखोगे यहां से एक पायलट लाइन इस लाइन से टाइप करेगी सपोज मैं एज्यूम करता हूं एट्टी के जी प्रेशर पर यह रिलीफ वाल्व एक्चुएट करती है कुछ प्रेशर रिलीफ करती है तो जो प्रेशर रिलीव कर रही है मीन्स व्हाट ये लाइन प्रेशराइज हो गई है मुझे कोई और एक्स्ट्रा फ्लो नहीं चाहिए लाइन ऑलरेडी प्रेशराइज हो गई है तो मीन्स फॉर एट अ टाइम एट ए टाइम मुझे स्वैश प्लेट को वर्टिकल पोजिशन पर प्लेस्ड करनी है सो so दैट कोई फ्लो ना हो क्योंकि लाइन ऑलरेडी सिंपल है प्रेशराइज हो चुकी है तो मुझे मेरी एम अब क्या है जो स्वैश प्लेट है उसको मैं क्या बोल सकता हूं वर्टिकल प्लेन पर Plane पर मुझे, आ, मुझे उसे करने है. तो वर्टिकल पोजिशन पर वो प्लेस्ड कैसे होगी तो यहाँ से हम पाइलट लाइन यहाँ से मैं एज्यूम मीन्स पायलट लाइन में लूंगा और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो इस यहां पर स्वेस्ट प्लेट पर एक्ट करेगी आप देख सकते हो पायलट लाइन है क्लियर तो अब क्या होगा यह स्वैश प्लेट पर एक्ट करेगी तो अगेन अब इसकी पोजिशन अगर कुछ प्रेशराइज ऑयल अगर एक्ट करेगी तो इसकी पोजिशन क्या होगी अगेन ब्रिंग कम बैक टू इट्स पोजिशन दैट इज वर्टिकल प्लेन पोजिशन अगेन कोई ना सक्शन होगी अगर सक्सन नहीं होगी तो डिस्चार्ज भी नहीं होगी सिंपल सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सो एसप्लेट वेरिएबल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। सो आप इसकी एप्लीकेशंस बताओ सिप में इसकी कहाँ यूज होती है प्लीज कमेंट इट बिलो नेक्स्ट लेक्चर्स में अगेन अदर हाइड्रोलिक्स पंप्स के बारे में बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोलिक्स पंप्स ये लेक्चर सीरीज में कवर की जाएगी हैलिस पम्प्स पर हम बात करेंगे एंड भी अदर अदर एक्जियल टाइप ऑफ पिस्टन पम्प एंड रेडियल टाइप ऑफ पिस्टन पम्प पर भी हम बात करेंगे सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड थैंक यू